देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सीरीज का वीडियो बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। इस सीरीज वाले वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। अगला वीडियो जो लूंगा मैं, उसमें प्रॉब्लम्स बताऊंगा, तो उसमें सीक्वेंस सीरीज के सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, फार्मूले। ओके बच्चों, थैंक यू। देखो वीडियो कैसे। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सीरीज के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम उन्होंने सीक्वेंस का वीडियो देखा था, अब सीरीज का वीडियो देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें कुछ पहले बेसिक फार्मूले हैं। बेसिक फार्मूले में क्या है हमारा, जैसे सिग्मा एन, सिग्मा एन क्या होता है हमारा, 1 + 2 + 3 अप टू एन, एन टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। और सिग्मा एन का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा हमारा है सिग्मा एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर एन का स्क्वायर। और यह होता है बच्चों हमारा क्या, एन एन प्लस 1 2n + 1/6। ठीक है। तीसरा हमारा होता है सिग्मा एन क्यूब, ये होता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर एन क्यूब। और इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर / 4। बहुत आसान सा फार्मूला है तीनों। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या बच्चों, जो है मेथड हमारा ट्रिकी मेथड्स, जिसमें सबसे पहले वी एन मेथड की बात करेंगे। वी एन मेथड टाइप वन क्या है, इसमें हमें जैसे इस तरह का सिचुएशन है, मान लो 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 से लेकर एन टर्म्स तक, 1/n (n+1, n+2) हमें इसका सम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन प्रोसेस में, कि भी इसका nth टर्म लिखेंगे tn, और tn हमें दिख ही रहा है कि 1/n (n+1, n+2) है। टी एन की मदद से हम लोग तैयार करेंगे बच्चों वी एन। वी एन में क्या करना है, शुरू वाला एक टर्म छोड़ देना है और ये आखिरी के दोनों लेने हैं। ये बन गया वी एन। वी एन की मदद से हम निकालेंगे वी एन माइनस 1, एन की जगह एन माइनस 1 रख देंगे बच्चों, इट इज़ एन एन प्लस 1। फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने का देखिए क्या आता है। सब्ट्रैक्ट करने का तो vn - vn - 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1/(1/(-2) (n)(n+1, n+2) और जिसको अब अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा -2tn। अब इसमें n को 1 पुट कर दिया बच्चों, n को 1 पुट करेंगे तो देखिए v1 - v0 - 2t1, n को 2 पुट करोगे v2 - v1 - 2t1 2, इसी तरह पुट करते जाएंगे, लास्ट में एन को एन पुट करते तो vn - vn - 1 - 2tn। इन सबका सम करेंगे तो vn - v0 हमारा फाइनल आ जाएगा, कैंसिल होके सारा कुछ, और -2Sn आ जाएगा। यहाँ से Sn की वैल्यू आ गई बच्चों -1/2 vn - v0, और इसमें vn की वैल्यू लगा देंगे। और vn की वैल्यू हम लोग देख ही रहे ऊपर कि क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है -1/2 और vn की वैल्यू है 1/(n+1, n+2) और v0 हो जाएगा 1/(1)(2) बच्चों। इस तरह सम आ गया। दूसरा फिर अब हम लोग यहाँ पे एक और वी एन मेथड की चर्चा करेंगे, क्योंकि वी एन मेथड दो तरह के, वी एन मेथड टाइप टू देखेंगे। वी एन मेथड टाइप टू क्या है, वी एन मेथड टाइप टू में हमारे पास ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हैं, 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 से लेकर एन टर्म्स तक, n × (n+1) × (n+2) तक, इसका सम करना है। सॉल्यूशन प्रोसेस को गौर से देखेंगे। सॉल्यूशन प्रोसेस में क्या करना है, पहले टी एन लिखना है, टी एन 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 प्लस 1 एन प्लस 2 है, और टी एन से हम तैयार करेंगे बच्चों वी एन। वी एन में क्या करेंगे, एक टर्म एक्स्ट्रा कर देंगे, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2, एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा (n+3). फिर वी एन की मदद से वी एन माइनस 1 निकालेंगे, (n)(n+1) (n+2) ठीक है। और हमारे पास एक (n-1) भी आएगा इसमें। जब दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो vn - vn - 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4tn, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ है। और जब n को 1 वगैरह पुट करके सॉल्व करोगे v1 - v0 = 4t1, इसी तरह से n = 2 पुट करेंगे तो v2 - v1 = 4t2, ऐसे सारे पुट करते जाएंगे vn - vn - 1 = 4tn। और जब सबका सम करेंगे बच्चों तो
वी एन माइनस वी जीरो फाइनल बचेगा, फोर एस एन हो जाएगा। यहाँ से एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास बहुत आसानी से, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री बाई फोर। अगला हमारा जो मेथड है, जो हमारे इसमें थ्योरी पॉइंट है अगला, वो है बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस। देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे लगाना है हमें। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, जैसे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, आर एन नंबर्स, आर एन नंबर्स, वो इस तरह से है कि ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, इनके जो डिफरेंसेस है ए फोर माइनस ए थ्री, ए एन माइनस वन, ये या तो ए पी में है बच्चे या तो जी पी में है, तो ये रूल लगेगा। कैसे लगाना है देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन में हम लगा के आपको सिखाते हैं भाई। जैसे किस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास कि इसका एस एन निकालना है, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस एलेवन प्लस सिक्सटीन से लेकर एन टर्म्स तक, तो हम एस एन माइनस वन लिखेंगे, एक टर्म आगे करके लिखना है, वन टू फोर यही फिगर्स है जो ऊपर लिखे हुए हैं, इसमें एन माइनस वन टर्म्स हैं, दोनों को माइनस कर दिया बच्चों, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टी एन हमारे पास, और ये टी एन आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो वन, एन माइनस वन टर्म्स, और जब हम इसका सम करेंगे वन प्लस एन एन माइनस वन बाई टू, और जो ऐसे निकालना होगा तो सिग्मा टी एन कर देंगे, इसमें सिग्मा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चा हमारे पास। जो हमारा अगला मेथड है वो है, इन सबसे अलग है, इन सबसे खास है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम कैसे सम करेंगे बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे वन अपॉन वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का फोर, टू अपॉन सॉरी वन प्लस टू का स्क्वायर टू का फोर, थ्री अपॉन वन प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री का फोर, एन टर्म्स तक मान लो हमें सम करना है। तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है सबसे पहले कि भाई पहले तो टी आर लिखना है, टी आर हो जाएगा हमारा आर अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ठीक है, और इस तरह से इसको हम कर देंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, फैक्टर कर देंगे इसका आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जैसे प्लस टू में आप इंटीग्रेशन में करते थे, उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करना है, कुछ नया खास नहीं करना है, और फिर इसमें आर को वन पुट करने तो टी वन आ जाएगा बच्चों वन बाई टू, वन माइनस वन बाई थ्री, फिर टू पुट करेंगे तो वन बाई टू, वन बाई थ्री माइनस वन बाई सेवन, ऐसे पुट करते जाएंगे, और एक समय जब टी एन को एन पुट कर देंगे बच्चों तो वन बाई टू, वन बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, जो इनका सम करेंगे आप तो आसानी से आपके पास एस एन आ जाएगा, और एस एन की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। इस तरह से हम सीक्वेंस को समझ सकते हैं, और ये सारा को सीरीज का टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अगली क्लास में हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे।